दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि जो दवाइयाँ हम मेडिकल स्टोर से ख़रीदते हैं या फिर जो दवाइयाँ हमें हॉस्पिटल से दी जाती हैं उन दवाइयों के पत्ते के बीच में एम्प्टी स्पेस होता है, इट मीन्स खाली जगह होती है। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि ये दवाइयाँ हैं इन दवाइयों के पत्ते के बीच में एम्प्टी स्पेस क्यों होता है? जो टैबलेट्स हम मेडिकल स्टोर से या फिर हॉस्पिटल से लेते हैं उन टैबलेट्स के पत्ते के बीच में एम्प्टी स्पेस क्यों होता है? यदि नहीं तो आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको यही बात बताने वाला हूँ कि दवाई के पत्ते के बीच में क्यों होती है खाली जगह। जानने के लिए वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों मेरा नाम है मुजीब और एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल टेन ऑफ नॉलेज पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, दरअसल दवाइयों के बीच में होने वाली खाली स्पेस दवाइयों के केमिकल को आपस में मिलने से रोकने के लिए होती है। ये बात आप शायद नहीं जानते होंगे कि केमिकल आपस में रिएक्शन कर सकते हैं और इससे दवाइयाँ ख़राब हो जाती हैं, इसलिए इन दवाइयों को ख़राब होने से बचाने के लिए ये जगह खाली जोड़ी जाती है। इसका एक कारण ये भी है कि इससे दवाई के पत्ते के पीछे लिखी पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ने में मदद मिलती है, क्योंकि कई बार पूरे पत्ते में केवल एक ही गोली बचती है। उससे हम उसी से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि दवाई किस चीज़ की है, दवाई की एक्सपायरी डेट, डोज आदि। इसके लिए खाली स्पेस बनाए जाते हैं। दवाइयों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए भी ये स्पेस काम आता है। ये एक तरह से कुशनिंग इफेक्ट की तरह काम करती है। इन खाली स्पेस से दवाइयाँ पैकेजिंग मशीन में भी नहीं फंसती हैं। तो दोस्तों यही वो कारण है जिससे कि जो टैबलेट हम परचेस करते हैं उन टैबलेट के पत्ते के बीच में एम्प्टी स्पेस छोड़ा जाता है। यही वो रीज़न है। अब तक आपने इस पर नोटिस नहीं किया होगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम मार्केट से परचेस करते हैं लेकिन हर चीज़ पर हम फोकस नहीं करते हैं, क्या जानना नहीं चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैंने आपको दिया कि यही वो रीजन है, इस वजह से दवाइयों के पत्ते के बीच में खाली जगह छोड़ी जाती है। उम्मीद करता हूं इंफॉर्मेशन और ये वीडियो आपको पसंद होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स को ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, आपको आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।